हेलो दोस्तों, एक्सेलेंस एकेडमी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, आप अपने पास एक कॉपी लेकर इस मेरे पॉइंट्स को नोट करिए, तो आपको काफी हेल्प हेल्प होगी इससे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरसी जो कपल्ड एम्पलीफायर है, ये क्या होता है, इसमें दो पीएनपी ट्रांजिस्टरों का यूज किया जाता है। जैसे कि एक ट्रांजिस्टर ये है और एक ट्रांजिस्टर ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। अब हमको कैसे पता चला कि पीएनपी है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो इमीटर में करंट इसमें क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है, ठीक है, प्रवेश कर रही है। तो प्रवेश कर रही है मतलब वह ट्रांजिस्टर जिसमें करंट इमीटर से प्रवेश करती है, वो पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे है कि जैसे पी, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो पहला वर्ड है वो पी, पी मतलब होता है प्रवेश, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। और एनपीएन में क्या होता है, एनपीएन में जो हमारी करंट रहती है वो इमीटर से निकलती है, एन से क्या हो सकता है, यहां से निकलती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें दोनों जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, इमीटर को कॉमन रखा जाता है। जो हमारे इसमें दोनों ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे कि एक ट्रांजिस्टर ये है और एक ट्रांजिस्टर ये है, तो इसका इमीटर देख सकते हो आप कॉमन है यहाँ पर। ये इसके कलेक्टर से भी कनेक्ट है और इसके बेस से भी कनेक्ट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसका जो इमीटर है वो इसके बेस से भी कनेक्ट है और इसके कलेक्टर से भी कनेक्ट है। इसी कारण इसे सीई एम्पलीफायर भी कहा जाता है, मतलब कॉमन इमीटर एम्पलीफायर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट इसका आपको नोट करना है, इसमें रेजिस्टेंस आर, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, ये रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटेंस सी, ठीक है ना, जैसा कि ये सी के द्वारा दोनों एम्पलीफायर को क्या कर देते हैं, हम इसमें कपल कर देते हैं। इनमें क्या की जाती है, दोनों एम्पलीफायर की रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटेंस सी के द्वारा कपलिंग की जाती है। इसी कारण हम इसे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है आपका, इस मेथड के द्वारा फ्रीक्वेंसी के अधिक रेंज में हाई फिडेलिटी प्राप्त होती है, मतलब इस मेथड के द्वारा फ्रीक्वेंसी की हाई रेंज होती है, उसमें हमको हाई फिडेलिटी प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, उसकी रेंज एक समान रूप से एम्पलीफाई होगी, ठीक है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल में समझ सकते हो, जैसे कि हमारी इनपुट है ये और आउटपुट क्या होगी, ये एक समान रूप से एम्पलीफाई होगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये था इसका अगला पॉइंट। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सारे पॉइंट। पहला पॉइंट था कि इस एम्पलीफायर में पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें दोनों ट्रांजिस्टर में एमीटर को कॉमन रखा जाता है, इसी कारण इसे सीई एम्पलीफायर भी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटेंस सी के द्वारा दोनों एम्पलीफायर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ए और बी को कपल किया जाता है, मतलब उनका युग्मन किया जाता है, इसी कारण इसे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर भी कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस मेथड के द्वारा फ्रीक्वेंसी के हाई रेंज में हाई फिडेलिटी प्राप्त होती है। हाई फिडेलिटी का मतलब यह है कि हमारी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी उनमें एक समान एम्पलीफिकेशन हमको मिलेगा, मतलब वो कहीं से भी डिस्टॉर्शन उसमें विरूपण नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि जो हमारा आउटपुट सिग्नल होगा वो एक समान रूप से एम्पलीफाई होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक समान रूप से एम्पलीफाई होते होते इसका जो एम्पलीफिकेशन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब सिग्नल थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब देखते हैं वर्किंग। तो वर्किंग का जो पहला पॉइंट है वो है, इसमें एम्पलीफायर ए और बी के कपलिंग करने के लिए, मतलब एम्पलीफायर ए और बी को कपलिंग करने के लिए एक कैपेसिटेंस CC1 का यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कपलिंग कैपेसिटेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर ए और एम्पलीफायर बी, इन दोनों को कपलिंग करने के लिए हम एक
जो हमारा कैपेसिटेंस होता है CC1, इसका यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटेंस। इसके बाद क्या होता है, हम एम्पलीफायर ए के जो रेजिस्टेंस है RS, इसके अक्रॉस इनपुट सप्लाई देते हैं, मतलब इनपुट AC वोल्टेज यहाँ पर हम देते हैं। तो ये इनपुट AC वोल्टेज ट्रांजिस्टर T1 के द्वारा एम्पलीफाई होकर हमको इसके कलेक्टर पर मिलता है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर जो AC इनपुट वोल्टेज दिए है, ये हमको ट्रांजिस्टर T1 के द्वारा एम्पलीफाई होकर इसके कलेक्टर पर मिलेगा। कलेक्टर से जो रेजिस्टेंस RC1 कनेक्ट है, इसके अक्रॉस हमको मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो ट्रांजिस्टर T2 के लिए एज अ इनपुट की तरह कार्य करेगा। और क्या होगा, यहाँ पर जो हमको AC आउटपुट मिला है वो कैपेसिटेंस CC1 के द्वारा ट्रांजिस्टर T2 के बेस में बाईपास कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो हमको आउटपुट मिला है वो ट्रांजिस्टर T2 के लिए कैसा रहेगा, इनपुट की तरह वर्क करेगा। तो इसके बेस में जब हम इसको बाईपास करते हैं तो इसके बेस से जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है R12, तो इसके अक्रॉस हमको यहां पर एम्पलीफायर ए का आउटपुट मिलता है। फिर यहां से क्या होता है, ये जो हमारा आउटपुट रहता है एम्पलीफायर ए का वो बी एम्पलीफायर के लिए इनपुट का कार्य करता है और पुनः इसके बेस में वो इनपुट की तरह प्रवेश करता है। फिर क्या होता है, फिर जो हमको फाइनल आउटपुट होता है वो लोड RL के अक्रॉस हमको मिलता है। तो इस प्रकार हमारा जो सिग्नल होता है यहाँ पर एम्पलीफाई हो जाता है। तो ये थी इसकी वर्किंग। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो यह सरल और सस्ता है, कहने का मतलब इसको अरेंज करना बहुत इजी होता है और ये काफी मतलब सस्ता है, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का ही यूज किया गया है, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है, इससे प्राप्त एम्पलीफाई सिग्नल में डिस्टॉर्शन कम होता है, मतलब डिस्टॉर्शन तो होता है बट कम होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है। जैसा कि ये हमारा आउटपुट है, एक समान हमको मिला है, तो इसमें कम डिस्टॉर्शन होगा, थोड़ा कम, ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट है, RC कपल्ड एम्पलीफायर से प्राप्त फ्रिक्वेंसी हाई रेंज के लिए उपयुक्त है, मतलब इससे जो हमको फ्रिक्वेंसी प्राप्त होगी आउटपुट में, उसका मतलब उस फ्रिक्वेंसी को हम हाई रेंज ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो इसकी इफिशियंसी कम होती है, ठीक है दोस्तों, इसकी इफिशियंसी क्या होती है, बाकी जो एम्पलीफायर है उससे कम होती है, और हाई फ्रिक्वेंसी पर यह कंफर्टेबल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब हम इसमें हाई फ्रिक्वेंसी, ज्यादा हमको फ्रिक्वेंसी बढ़ाना है किसी सिग्नल की, तो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। एक लिमिट तक ही इसमें क्या होगी, किसी भी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, उसके बाद हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका जो उपयोग है वो है मतलब जो हमारा ऑडियो है फ्रिक्वेंसी रेंज में हाई फिडेलिटी प्राप्त करने के लिए इसका हम यूज किया जाता है। मतलब हमारी जो ऑडियो जो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें हमको हाई फिडेलिटी चाहिए, तो इसका हम इस हाई फिडेलिटी प्राप्त करने के लिए इस एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा RC कपल्ड एम्पलीफायर। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।